Hello SGTV students, I'm Harshita from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School NH9 Ding Road Sirsa. Students, today our topic is perimeter, worksheet 8 of unit 4. What is perimeter? Students, perimeter kya hota hai? Perimeter is the total length around a closed figure. स्टूडेंट्स हेयर ये क्लोज्ड फिगर है इसकी जो टोटल लेंथ होती है ये हमारी पेरीमीटर होती है फॉर द फिगर गिवन अलोंग साइड पेरीमीटर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ ये क्या है हमारा पेरीमीटर ये टोटल लेंथ होती है ये हमारी क्या होती है पेरीमीटर होती है स्टूडेंट्स पेरीमीटर ऑफ इरेगुलर शेप स्टूडेंट्स ये एक शेप है इसके पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करनी है So, perimeter is the length of sides only across a boundary without taking in the inner sides. अब students ये हमें ना दे रखी है centimeters ये 6 है 1, 4, 5, 1 centimeter. जो ये total length होगी ये हमारी perimeter होगी तो हम कैसे find out करेंगे इसको यहाँ से start करते हैं 1 plus 6 plus 6 plus 1 plus 5 plus 4 इनको हम ऐड करेंगे और यहां से हमने स्टार्ट की थी स्टूडेंट्स यहां पे 5 सेंटीमीटर नहीं है ये 5 है तो ये भी क्या होगी 5 होगी लुक एट हियर 1 से स्टार्ट किया था ना हमने 1 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 4 यहां पे हमें गिवन नहीं है तो ये 5 है तो इसके अराउंड ये भी क्या होगा 5 होगी 5 सेंटीमीटर ये टोटल लेंथ होती है स्टूडेंट्स पेरीमीटर इसको ऐड करने के बाद हमारा आएगा 28 सेंटीमीटर नाउ स्टूडेंट्स हमें यहाँ फिगर गिवन है कौन से ट्राइंगल की ए बी सी है इसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ए प्लस बी प्लस सी ये इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी प्लस सी नेक्स्ट स्टूडेंट देखो ये क्या है हमारे पास स्क्वेयर है स्क्वेयर का हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स ये एक साइड हमें गिवन है तो ये क्या होगा एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस ये क्या है 4 टाइम्स एस हमने ऐड किया है या हम इसको एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस कर सकते हैं या इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं हम 4 इंटू एस नेक्स्ट स्टूडेंट्स रेक्टेंगल है हमारे पास लेंथ गिवन है एंड ब्रेथ गिवन है तो हमारा फॉर्मूला कैसे बनता है स्टूडेंट्स लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ 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 इक्वल होती है स्टूडेंट्स रेक्टेंगल में और लेंथ लेंथ इक्वल होती है तो फॉर्मूला है लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ या हम ऐसे करेंगे ये स्टूडेंट्स टू लेंथ है तो टू इंटू लेंथ प्लस में टू इंटू ब्रेड्थ नाउ स्टूडेंट्स हमें इसके जो क्वेश्चंस होंगे उनमें हमें ये वैल्यूज दी होगी ए बी सी की वैल्यू दी होगी साइड गिवन होगी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन होगी हमें फॉर्मूलाज पुट करने हैं और आंसर फाइंड आउट करना है इन वर्कशीट 9 स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये क्या गिवन है स्टूडेंट्स हमें रेक्टेंगल गिवन है जिसमें हमें लेंथ गिवन है एंड ब्रेथ गिवन है सो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था पेरीमीटर होता है लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ या 2 इंटू लेंथ या 2 इंटू ब्रेथ होगी स्टूडेंट तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर ये 10 है तो ये भी 10 ही होगी ये 4 है तो ये 4 ही होगी प्लस में 2 इंटू लेंथ प्लस में 2 इंटू ब्रेथ तो 2 इंटू ब्रेथ कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास 4 सेंटीमीटर सो 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 4 20 प्लस 8 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये हमें क्या गिवन है स्टूडेंट स्क्वेयर गिवन है जिसमें हमें एक साइड गिवन है और पेरीमीटर क्या होती है इनका एडिशन जो टोटल लेंथ होती है ये 8 है एक साइड गिवन है तो दूसरी भी ये क्या होगी स्टूडेंट स्क्वेयर के अंदर ये साइड्स इक्वल्स होती हैं 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 या 4 इंटू 8 4 इंटू साइड सो फॉर्मूला इज 4 इंटू 8 32 सेंटीमीटर नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारे पास ये क्या गिवन है हमें ट्राइंगल गिवन है जिसमें हमें इसकी लेंथ दे रखी है ये है 9 प्लस 9 प्लस 9 ए प्लस बी प्लस सी तो हमारा क्या आंसर आएगा 27 सेंटीमीटर नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें ये इरेगुलर शेप दे रखी है इसका हमें फाइंड आउट करना है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे 1 पेरीमीटर फाइंड आउट करना है 1 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 सो स्टूडेंट्स ये 5 प्लस 7 कैसे हुआ यहां देखो
यहाँ तक हमें पता है 1 + 5 + 4 + 2, आगे हमें इनकी सेंटीमीटर्स गिवन नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? हमें पहले 5 आया, कैसे आया स्टूडेंट्स? ये क्या है हमारे पास? इतनी, ये कितनी है? 4। ये यहाँ तक हमारी कितनी होगी? 4। इतनी बच जाएगी यहाँ पे, तो ये इतनी क्या है? 1 सेंटीमीटर। 4 + 1, ये पूरी कितनी होगी? 5। 4 + 1 कितनी होगी? 5। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ? 1 + 5 + 4 + 2 + 5, ये हो गया 4 + 1 करके 5 होगी, ये हमारी पूरी 5 आ गई। अब आती है टर्न स्टूडेंट्स, इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? ये देखो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। यहां तक कितनी होगी? इतनी कितनी होगी? ये 2, और बाकी कितनी है? ये देखो यहां से नीचे 5 है, ये 5 और ये नीचे से इतनी 2, तो 5 + 2 कितना होता है स्टूडेंट्स? 7। तो यहाँ पे हमारी 5 निकली थी ये पूरी, और ये कितनी आई है? 7। सो 1 + 5 + 4 + 2 + 5 + 7, इनका टोटल करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर। सिमिलरली स्टूडेंट्स, ई पार्ट आपको ट्राई करना है, जैसे डी है वैसे ही ये ई पार्ट है, आपको ये वर्कशीट 9 करनी है। थैंक यू।